तीसरी शताब्दी पूर्व में पश्चिमी भाषा में बोले जाने वाली उपभाषा उज्जैनी और ब्राह्मी लिपि में उत्तर पूर्व मुख चट्टान को काटकर धर्म का संदेश लेख के रूप में नक्शे करके धम्म विवरण किया, वो थे सम्राट अशोक, मौर्य वंश के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक। जो शिलालेख आठवां शिलालेख है, 14 प्रमुख शिलालेख जिनको सम्राट अशोक द्वारा नक्शे किया गया था, जो कि स्थित है गुजरात के जूनागढ़ गिरनार में, बौद्ध धर्म में महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का बड़ा योगदान है। तीसरी शताब्दी पूर्व में आधी से ज्यादा दुनिया को जीतने वाले महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक और मौर्य वंश की रियासत आज आपको प्रतीत कराती है ये आठवां शिलालेख, अशोक शिलालेख, जूनागढ़ गिरनार गुजरात। वीडियो में आप देख सकते हैं चट्टान में लिखे हुए विवरण को यहाँ पे साइन बोर्ड के द्वारा समझाया गया है।